हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी एडीपीओ के सिलेबस को। तो सिलेबस को समझने से पहले एग्जाम पैटर्न को जान लें। प्री के बाद यहां पे मेंस नहीं कंडक्ट कराया जाता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो प्री के सब्जेक्ट्स की बात करें हम लोग, तो पहला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जीके ऑफ एमपी की बात करते हैं स्पेसिफिक। नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों चीजें आएंगी। क्वेश्चन 50 होंगे, 3 नंबर की वेटेज है एक क्वेश्चन की, तो आपको 150 नंबर टोटल जीएस वाला पार्ट है। और लॉ की बात करें तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 300 नंबर वेटेज टोटल, दोनों की वेटेज 450, 150 नंबर टोटल क्वेश्चन। अब हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज के साथ। तो जनरल नॉलेज में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको जो फोकस है वो एमपी स्टेट के जनरल नॉलेज पे देखने को मिलेगा, जो कि हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर की बात करते हैं, इतिहास, साहित्य और संस्कृति की। तो इसमें देखिए मेजर डायनेस्टीज जो हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन है एमपी का इंडिपेंडेंस में, आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर की बात करते हैं, मेन ट्राइब्स जो जनजाति बोलियां हैं सब इंक्लूड किए जाते हैं, फिर आपको लोकगीत, लोक कथाएं और लोक प्रमुख त्यौहार देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, फिर आपको लिटरेसी की बात करते हैं, ठीक है, लिटरेचर हैं जो भी आपकी रचनाएं होती हैं, साहित्यकार जहाँ से बिलोंग करते हैं एमपी से बेसिकली, फिर आपको टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेंगी और पर्सनैलिटीज की, फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया गया बेसिकली, एमपी ओरिएंटेड है। ज्योग्राफी की बात करें तो वो भी आपको एमपी ओरिएंटेड ही देखने को मिलेगा, ठीक है, हर चीज़ में आप देख लीजिए, चाहे वो फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, आप एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, फिर आपका इरिगेशन की बात, ये सब सारे टॉपिक्स आपको एमपी ओरिएंटेड देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले भी। अगर हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो वो भी आपको देखिए एमपी ओरिएंटेड ही है, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम एमपी का कि गवर्नर कौन है, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। पंचायती राज की बात करें, सोशल सिस्टम की बात करें, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड सेंसस जो कि 2011 का पूछा जाएगा बेसिकली आपसे अभी तक, क्योंकि 2021 वाला सेंसस नहीं कंडक्ट कराया गया है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी हुए, मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में। उसके बाद हम बात करें जो फोर्थ टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी के, ठीक है, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। कोई स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड है, कोई अवार्ड्स हैं, Yes, कोई कंटेम्प्रेरी इशू है आपका, समसामाजिक घटनाएं जो होती हैं बेसिकली, फिर फेमस पर्सनैलिटीज हैं, कोई प्लेसेस हैं, तो सब चीजें आपकी नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी के रिगार्डिंग पूछी जाएंगी। फिर आपका आईटी से भी पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, फिर रोबोटिक आ गया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, साइबर सिक्योरिटी आता है, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फिर ई कॉमर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे जो कि जनरल नॉलेज में आते हैं, जिनकी वेटेज 50 नंबर है, क्लियर। अब लॉ की बात करें, लॉ में देखें तो अगर आप टोटल सब्जेक्ट देखेंगे 29 एक्ट्स आते हैं टोटल, 29 एक्ट्स में 100 क्वेश्चंस आएंगे और जिनकी वेटेज आपको 300 नंबर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 100 नंबर आपको 100 क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, 300 नंबर वेटेज है, 29 एक्ट्स हैं, जिसे पहला आपको आईपीसी देखने को मिलेगा, सीआरपीसी, मोटर व्हीकल एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 वाला है, फिर आपको इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का मिलेगा, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट मेजर एक्ट है, फिर एमपी एक्साइज एक्ट है, ठीक है, फिर आर्म्स एक्ट 1959 का है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 9 सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का एक्ट है, ये आता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का एक्ट है, फिर आपको देखने को मिलेगा प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 84 का एक्ट, फिर आप देखोगे तो एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम है, फिर आपको देखने को मिलेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 का एक्ट था, फिर अगर आप देखोगे इस एक्ट को जो इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में इसके आप देखो मतलब, तो आपको देखिए एमपी अत आवश्यक सेवा संधारण तथा विचित्र निवारण अधिनियम आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, ठीक है, 2010 का था, और आपको 16 जो सब्जेक्ट है वो है पॉक्सो एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का है, यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956 का है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डीवी एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है आपका, फिर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का एक्ट है, फिर आपको आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005 का एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आपको नार्कोटिक ड्रग्स वाला एक्ट देखने को मिल जाएगा आपको, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है,
फिर आपका आता है एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का एक्ट है, ये 24 एक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको आईटी एक्ट है जो कि 2000 का है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है आपका 1988 का। फिर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश न्यायालय अधिनियम देखने को मिलेगा आपको 2011 का। और लास्ट एक्ट है जो कि 29th एक्ट है, वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो टोटल 29 एक्ट्स हैं आपके। वेटेज मैंने बता दिया आपको, 300 नंबर लॉ की होती है, ठीक है। और आपको अगर जीएस की पार्ट के देखेंगे तो 150 आपको जीके में देखने को मिलेंगे। ये आपको वेटेज 450 होता है प्री का मार्क्स का है, प्री एग्जाम का। और इंटरव्यू देखोगे आप लोग, इंटरव्यू तो इंटरव्यू 50 नंबर की वेटेज रखता है। टोटल आपको जो मेरिट बनने वाली है वो बनने वाली है 500 मार्क्स में से, ठीक है। अगर आप भी पीसीएस जे के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है। आनंद सर लाइव कोड यूज करते हैं मेरा आप लोग 10% फ्लैट ऑफ के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे आप थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट के साथ कम्पीट करते हैं जो कि अपने एम को अचीव करने में मदद मिलेगी। आप एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें, एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर से, इमर्ज बैच, ए वन ईयर बैच है। अगर आप इनरोल करते हैं, ठीक है, इस बैच को, तो कोड यूज करें 10% ऑफ के लिए। इवन आप सारे बैचेस ज्वाइन कर पाते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक ही बैच ज्वाइन कर पाएंगे आप। आइकॉनिक फीचर की बात करें तो उसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन देखने को मिल जाएंगे, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप देखने को मिलेगी। इसका जो मेन फोकस होगा वो आपका मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज पे फोकस किया जाएगा कि आप मेंस एग्जाम के आंसर राइटिंग लिख के देंगे और फैकल्टीज उसको चेक करके आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए आपको। प्लस आपको इवन सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, प्लस क्लासेस वाले फ्री क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिसप्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कृषि, आरपीसी, लोकल एक्ट, सारे स्टेट कवर कराए जाते हैं। आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इसका जितने बाकी सब एफबीएस सब कवर कराए जाते हैं जो कि किसी भी जुडिशियल एग्जाम में आते हैं। इसका प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडवोकेट आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट रिक्यूजर कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलता है और कोर्सेज आपका टाइमली कंप्लीट कराया जाता है, पीडीएफ फॉर्म में आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की बात करें तो T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी चलती है, जिसमें आईपीसी मंडे को, सीआरपीसी ट्यूजडे, सीपीसी वेनसडे, एविडेंस एक्ट थर्सडे को कराया जाता है 9 से 9:30 बजे, और इवन आपको मिक्स बैच मिक्स सब्जेक्ट के MCQs देखने मिलेंगे फ्राइडे को। प्लस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की बात करें तो आपके पास 1 महीने से लेकर 24 महीने के प्लान अवेलेबल है, कोई भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं प्लान। जैसे 24 महीने का प्लान जो कि 55,000 का, ये कोड यूज करते हैं मेरा आप, तो 10% का ऑफ मिलने के बाद आपको 49,500 का पड़ेगा। ईएमआई का ऑप्शन आपके पास है जो कि 0% इंटरेस्ट पे है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स पे ईएमआई अवेलेबल है। इसके साथ हमसे जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी जुडिशी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हमारी क्लासेस आपको लाइव देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ने के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल है आनंद मिश्रा 10, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।